सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। सो गाइस, आपको पता ही है कि जो इवल नन है उसका एक नया अपडेट आया जो कि नजरत वाला अपडेट था, एंड उसमें हमको काफी और ज्यादा बातें पता चली इवल नन नजरत के बारे में। और जो मिस्टर मीट है उसमें हमको एक सस्पिशियस एंड जो कैपलेरियंस वाले हैं उन्होंने मिस्टर मीट से जुड़ा एक कैपलेरियन फाइल्स वीडियो रिलीज किया अपने चैनल पे, जिसमें कैपलेरियंस वालों ने बताया कि जो मिस्टर मीट है उसने अपनी वाइफ के बारे में कुछ ऐसा खतरनाक पता किया है जिसके बाद उसको इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी वाइफ को घर से निकाल दिया। एंड जो मिस्टर मीट के घर में हमने एक पिक्चर रखी हुई देखी है, जिस पिक्चर में जो इंसान पीछे खड़ा है उसको मिस्टर मीट ने फोटो से हटा दिया है, मतलब उसका फोटो फाड़ दिया है, उसका हिस्सा फाड़ दिया है, वो जोसेफ सॉलोमन हो सकता है। क्योंकि जोसेफ सॉलोमन भी स्काई ब्लू कलर के कपड़े पहनता था, ये इंसान जो खड़ा है उसने भी स्काई ब्लू कलर के ही कपड़े पहन रखे हैं। क्या यही रीजन था जो मिस्टर मीट ने अपनी वाइफ को और उसकी बेटी को घर से निकाल दिया? देखो, यहाँ पे घर से निकालने के सिर्फ दो रीज़न हो सकते हैं, या तो जो मिस्टर मीट की वाइफ है उसका जोसेफ सॉलोमन के साथ कोई चक्कर चल रहा हो, या फिर सेकंड रीज़न हो सकता है कि जो मिस्टर मीट की वाइफ है वो इवल नन हो, एंड इवल नन नजरत के साथ जो ब्लैक मैजिक करती थी उसके बारे में मिस्टर मीट को पता चल गया हो एंड मिस्टर मीट ने उसे निकाल दिया हो अपने घर से। ये दो रीज़न हो सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या रीज़न हो सकता है मिस्टर मीट का अपनी वाइफ को घर से निकालने का, वो मुझे आप लोग कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताना। एंड ऑल्सो इसी के साथ, जैसे कि ये चीज़ हमको पता चल ही जाएगी मिस्टर मीट के चैप्टर 2 आने के बाद ये पूरी स्टोरी रिवील हो जाएगी। उसके आने के बाद हमको इवल नन में एक नया अपडेट देखने को मिल सकता है नजरत से जुड़ा। तो यस, ओवरऑल गाइज, ये तीनों गेम आपस में कनेक्टेड हैं, एंड इन तीनों गेम की स्टोरीज भी काफ़ी ज़्यादा, जैसे जैसे गेम्स आगे बढ़ते जा रहे हैं, इंटरेस्टिंग होती जा रही है एंड मिस्टीरियस होती जा रही है। अगर आप लोग आइसक्रीम के फ़ैन हो तो आइसक्रीम स्पैम कर दो कमेंट में, अगर आप इवल नन के फ़ैन हो तो हैमर हथौड़ा स्पैम कर दो, एंड अगर मिस्टर मीट के फ़ैन हो तो मीट स्पैम कर दो। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Buried under my feet. It was you who started the war. I don't regret what I did. And now who is knocking on the door? Goodness!